मैंने पिछले 7 सालों में 10 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में और 14 से ज़्यादा प्रोफाइल्स में काम करा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए योगेश वर्मा और आज के वीडियो में मैं आपको अपनी क्लासिक जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ कि कैसे पिछले 7 सालों में यानी 21 साल में ग्रेजुएशन के बाद 7 सालों में और 28 साल की उम्र में 10 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में 14 से ज़्यादा प्रोफाइल्स में मैंने कैसे काम करा है। तो जर्नी जो है मेरी शुरू हुई थी 21 साल के बाद लूथरा एंड लूथरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में। 3.5 महीने करने के बाद मैंने शिफ्ट करी दूसरी फर्म AKGVG इन एसोसिएट्स, हालांकि मैंने वहां पर रजिस्टर नहीं कराया और फिर मैंने ज्वाइन कर ली RSM इंटरनेशनल। RSM में मैंने टाइम बिताया 1.5 साल के करीब और जब मेरी 2 साल आर्टिकलशिप हो गई तो उसके बाद मैंने ज्वाइन करी नोम्यूरा जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक है उसकी इक्विटी रिसर्च डिवीजन, हालांकि वहां पर मैंने 5 महीने बिताए और 3 महीने की जो हमारी लीव्स थी CA फाइनल की उसके बाद वापस रिज्यूम करा। बट इस टाइम मैंने इक्विटी रिसर्च नहीं बल्कि नोम्यूरा की दूसरी कंपनी में ट्रांसफर ले लिया। क्या कह रहे हो सर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या ट्रांसफर मिल सकता है? जी हाँ, आपके सामने उदाहरण खड़ा है जिसने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी ट्रांसफर लिया है और आर्टिकल शिप में तो बहुत बार लिया ही है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ट्रांसफर लेने के बाद फाइनेंस कंट्रोल डिवीजन में मैंने काम करा करीब करीब 2 से 2.5 महीने और उसके बाद मैं वापस आ गया अपने CA फाइनल ग्रुप 2 के एग्ज़ाम्स देने के लिए। 2016 नवंबर का टाइम था, ग्रुप 2 के एग्ज़ाम्स दिए CA फाइनल के, जनवरी में रिजल्ट आया और उसके बाद मैंने KPMG ज्वाइन कर ली। KPMG को 1.5 से 2 महीना होने वाला था कि मेरा सिलेक्शन रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में हो गया और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में मैंने 1 ईयर एंड 7 मंथ्स बिताए। RBS के बाद मैंने उसको छोड़ा क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स के लिए कुछ हेल्प करनी थी, उनके बेनिफिट के लिए कुछ काम करना था और YouTube ज्वाइन कर लिया। YouTube पर जो है रेगुलर कंटेंट डालना शुरू कर दिया, तो YouTube इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हम कंटेंट बनाते हैं, तो इसे भी मैं काउंट कर रहा हूं जिसके लिए हमने काम करा है। साथ में मैंने LearnsUp को एस्टैब्लिश कर लिया। LearnsUp जो है वो एजुकेशनल एडटेक जो है ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें बहुत सारा जो है कंटेंट क्रिएट करना, साथ में जो है कोर्सेज क्रिएट करना, उसके जो है नोट्स वगैरह बनाना और साथ में स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए बहुत सारे उनके डाउट सॉल्व करना, बहुत सारे हम काम कर रहे हैं। उन्हें स्किल बेस्ड कोर्सेज प्रोवाइड करना जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग और एक्सेल तो हमने डाल ही दिया है और भी बहुत सारे कोर्सेज हम डाल रहे हैं। CA इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 बहुत अफोर्डेबल प्रोवाइड करना, एक सब्जेक्ट की प्राइस में 4 सब्जेक्ट करवा दिए हैं, स्टडी मटेरियल कवर करा दिए, तो ये सब चीज़ें करी है। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई जिसके लिए मैंने काम करा है और साथ ही मैंने अभी इंडसइंड बैंक ज्वाइन कर लिया एज अ चीफ मैनेजर। तो ये देख सकते हैं आप कि मैंने कितनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करा है, लूथरा एंड लूथरा, AKGVG, RSM, उसके बाद आपका नोम्यूरा, नोम्यूरा में 1 कंपनी, फिर सेकंड वाली कंपनी, उसके बाद KPMG, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, यूट्यूब, LearnsUp और इंडसइंड बैंक जो मैंने अभी ज्वाइन करा, 10 ऑर्गेनाइजेशंस हो गई पिछले 7 सालों में 28 साल की उम्र में। और अगर बात करें प्रोफाइल्स की कि 14 प्रोफाइल्स कौन सी हैं, तो हो सकता है कि मैं सारी रिकॉल ना कर पाऊँ, एक बार मैंने पेपर में लिखकर रखी थी बट अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना PPT ना कुछ, एक्सटेम्पर बोल रहे हैं भैया, सीधा सीधा आपको बोल रहे हैं जो दिमाग में आ रहा है। प्रोफाइल्स कुछ इस प्रकार है, आपकी स्टार्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली वैली अकाउंटिंग, MIS प्रिपरेशन, वो सारा अकाउंटिंग में आ जाता है, वो भी मैंने काम करा है। इसके बाद मैंने काम करा है आपका इक्विटी रिसर्च में, उसके बाद फाइनेंस कंट्रोल में, उसके बाद रिस्क कंसल्टिंग इन KPMG, उसके बाद मैंने काम करा है यूट्यूब पर कॉन्टेंट क्रिएशन का, यूट्यूबर मैं बना हूँ, LearnsUp को मैंने फाउंड करा था और उसमें मैंने बहुत सारे जो है कंटेंट क्रिएशन वगैरह का काम करना था, तो वो भी मैंने करा है। टीचर भी बना हूँ, तो YouTube वीडियोस अलग और टीचिंग वाले वीडियोस अलग, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट गेम है। बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाना और YouTube चैनल चलाना, वो कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोफाइल हो गई, तो 10 हो गई। इसके साथ में कुछ ऐसी और प्रोफाइल्स है जैसे कि मार्केटिंग हो गई, जैसे कि मैंने वेबसाइट डिज़ाइन कर लिया तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो गई, yogeshwarma.co.in जो लिंक आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, मैंने खुद डिज़ाइन करी है कोडिंग से, ये 2 और प्रोफाइल हो गई, तो 12 हो गई। इसके अलावा भी कुछ प्रोफाइल हो सकती है जो मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रही बट जब मैंने लिखा था तो करीब करीब 14 प्रोफाइल जो है बनकर निकल रही थी। आप देख सकते हैं कैसे थोड़े से समय में इतनी सारी चीज़ें मैंने करी है और अल्टीमेटली मुझे अब लगभग काफ़ी सारी फील्ड्स का ज्ञान है, इसीलिए मैं करियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को। जो मेरी वेबसाइट है yogeshwarma.co.in, उसी पर मैं करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप कोई भी करियर का बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक बार कंसल्टेंसी ले लें, कंसल्ट कर लें कि ये आपके लिए ठीक रहेगा, आपके गोल से अलाइंड है या नहीं है। तो इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने के बाद मैं अब इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुँच चुका हूँ, मुझे मालूम है मुझे अब क्या करना है और बहुत सारी चीज़ें मैं और भी आप लोगों के लिए करते रहूँगा। LearnsUp की जो सक्सेस स्टोरी है उसके बारे में मैं थोड़ा बाद में वीडियो बनाऊंगा, अभी बहुत सारे जो है वीडियोस लाइनअप हैं, जैसे आप देख सकते हैं मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जर्नी का वीडियो आ चुका है, आर्टिकल शिप जर्नी का आ चुका है, हाउ मच आई अर्नड इन माय फर्स्ट जॉब उसका आ चुका है, उसका सबका सब जो है चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। CA की करियर काउंसलिंग के वीडियोज़ मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अब आएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त जो है इंस्पिरेशनल वीडियोज़ आने वाले हैं, आपको बताएंगे कि ICA और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रजाति है इनके बारे में हम वीडियो बनाएंगे, खतरनाक प्रजाति है ये, इसके बारे में जितने सीक्रेट्स हैं आपके सामने खोलेंगे, आपको प्राउड फील होगा। साथ ही में बहुत सारे अन्य वीडियोस हैं मेरे जो आने वाले हैं इसके बाद, अगर आप कुछ चाहते हैं स्पेशल कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका कई दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि मैं यहाँ पर लाऊँगा एक्सक्लूसिव ज़बरदस्त वीडियोज़ फॉर ऑल द CA फ्रेटर्निटी एंड
कॉमर्स फ्रेटर्निटी। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद एंड बाय बाय।